She plays smart and Hello you guys, welcome back to my YouTube channel, and in today's vlog I hope you all are doing absolutely well. So it's Sunday morning and right now it's 10:30 and I'm having my breakfast. I'm having tea and puri, and morning में मैंने उठते ही like मुझे ऐसा था कि आज video film करना है, Sunday को utilize करेंगे. So मैंने सोचा कि मुझे किसी subscriber ने ही suggest किया था कि आप अपने business के ऊपर एक video properly बनाओ जिससे हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएं कि आपका business कैसे run होता है या कैसे क्या आप कैसे order कर सकते हैं and all. तो मैंने सोचा ठीक है, आज मैं आराम से बैठ के sit down video बनाऊंगी. So I asked you guys on my community post and Instagram कि आप मुझके कोई queries हो तो मैं आपको answer कर पाऊँ, तो आप को question पूछ लो सारे. But एक straight comment आया उसमें कि we don't want that video, आप vlog करो, हमें आपके vlogs पसंद है. And I was like that was so straight. तो मैंने सोचा ठीक है चलें संडे को कुछ ऐसे ही utilize करते हैं, vlog करते हैं. And यस, अभी मैंने कैमरा उठा लिया, व्लॉग स्टार्ट कर दिया है. मेरे पास कुछ भी देखने के लिए नहीं है. आई मिस बिग बॉस, भले वो कितना भी बोरिंग था ये सीजन. एंड मुझे तेजस्वी प्रकाश बिल्कुल नहीं पसंद थी, बहुत एरोगेंट लगती थी. इफ यहाँ पे कोई भी तेजस्वी प्रकाश का फैन है तो ऑफेंड मत होना. आई वॉन्ट निशांत या प्रतीक टू विन. शबीता भी जीतती तो आई डोंट माइंड, मुझे वो तीनों ही बहुत पसंद थे, वो तिगड़ी बहुत अच्छी लगती थी. आई डोंट वॉन्ट तेजस्वी प्रकाश टू विन, बट ओके जो भी हुआ सो हुआ. काफी बोरिंग सीजन था ये, लेकिन अभी मेरे को उसकी याद आ रही है क्योंकि जब भी मैं ब्रेकफास्ट करती थी, कुछ भी करती थी, तो मेरे पास एक वही ऑप्शन होता था जिसको मैं देख लेती थी, चलते फिरते देख लेती थी. बट अभी मेरे पास कुछ भी देखने के लिए नहीं है तो मैं थोड़ा सा अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल करूंगी. वैलेंटाइंस डे आने वाला है, मैंने कपल रिंग्स लॉन्च किए हैं अपने पेज पे, तो उस पर अभी कुछ क्वेरीज वगैरह आ रही है तो उन्हें थोड़ा हैंडल करूंगी. फिर स्टार्ट करेंगे हम अपना संडे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इफ यू हैवंट सब्सक्राइब प्लीज गो एंड सब्सक्राइब फर्स्ट, लेट्स गो. तो दोस्तों सवेरे सवेरे होने वाला था क्या, पैसों की आमदनी क्या बोलते हैं हमें सुबह सुबह. तो इन्होंने मेरी शॉप से कंगन लिए, ठीक है, और इन्होंने इन्होंने शाम को लिए, ठीक है, शाम को लिए. तो मैंने बोला शाम को पेमेंट कर दो मुझे. दो दिन हो गए हैं. मैंने कहा शाम को नहीं ले जाते हैं बिना पैसे दिए, तो आप मुझे पैसे दे दो. अभी मेरे को बोलती है कि जाके मेरे लिए डाई लेके आ, तो मैंने बोला कि मैं नहीं जा रही हूँ डाई लेने, मैं काम कर रही हूँ. तो इन्होंने मेरे को 100 रुपए दिए हाथ में, तो मेरे को लगा कि भाई बोल रही डाई लेने जा. मैंने कहा मेरे को, मैं नहीं जा रही, मेरे को नहीं चाहिए. कहती है नहीं चाहिए, तो ठीक है हम तो तुम्हारे पैसे दे रहे थे, नहीं चाहिए. अब ये क्या बात होती है भाई. मम्मी उनके पापा से मंगाओगी डाई, हद हो गई यार. मुक्कू जा रही है, मुक्कू को बोल दो. हाँ बोल दो. जा कहाँ रही है ये भी तो पता हो. छोटू तो आ रहा है, हम कैमरे में देख रहे हैं. आ ही गया वो ऊपर तक. शी प्लेज स्मार्ट. एंड अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं मम्मी को भी पैसे भी देती हूँ, तो यस, वो मेरी जॉब है, वो मेरा काम है. तो मम्मी जो भी लेती है मेरे स्टोर से उसके लिए वो पैसे पे करती हैं. थोड़ा सा मैं उनको डिस्काउंट दे देती हूँ, मम्मी का वो कूपन कोड लगा देती हैं, तो उतना मैं दे देती हूँ. लेकिन यहाँ वो मुझे पे करती हैं, वो कहती हैं ठीक है तू सामान लाई है, तेरे पैसे लगे हैं, तो मैं पे करूँगी, मैं फ्री में कुछ भी नहीं लूँगी. तो दैट्स अ गुड थिंग. बट या अभी पैसे पेंडिंग है. मैंने अपने स्टोर पर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगाया हुआ है कि उधार नहीं मांगे, लेकिन मम्मी को मैंने उधार दिया हुआ है क्योंकि वहां पे भी उनका मम्मी कोड लगा हुआ है. सो अभी उनकी टर्म एंड कंडीशन मेरे ऊपर अप्लाई हुई है कि तू जाके मेरे लिए डाई लेके आ, तभी मैं तेरे पैसे दूंगी. सो अभी देखते हैं मैं जाती हूँ कि नहीं. मेरा बिल्कुल मन नहीं है उठ के जाने का क्योंकि मैं अपने लिए कुछ आइडियाज लिख रही थी जो कि मैं आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करती हूँ उसको कम्प्लीट करने के बाद. मम्मी का दूसरा बटुआ खुल गया है. अब मम्मी मुझे एक साथ आगे की परचेस के भी पैसे पे कर देंगे. इन्होंने वो एक बार भी पहना भी नहीं है, लेके आई थी और लेके आने के बाद इन्होंने वो अभी तक किचन के रैक पे रखा है, तो किचन के रैक पे रखे, इन्होंने पहना भी नहीं है अभी तक. लाओ पैसे दे दो. कल जो सब्जी ली थी तो दो खुले तब दूंगी, अब नहीं दूंगी पूरे. चलो 100 रुपए ही तो है, 100 रुपए तो दो. 100 रुपए लिए तेरे? हाँ 100 ही रुपए लिए हुए हैं पूरे पूरे मिला के. 95 हुए, 5 रुपए में रिटर्न कर दूंगी. 95 हुए मम्मी. चलो उधर खस को तो अपना ढूंढ के और कपड़े रख
पैसे तो दे दो पहले, चलो देंगे वो हाथ में जो 100 रुपए वो दे दो। जब कोई जा नहीं रहा हमारा डाई लेना, खुद ही जा रहा है। तो उसमें क्या है, जाओ थोड़ी वो भी हो जाएगी एक्सरसाइज। अब इतने बड़े बड़े हमारे घर में ढोर होने के बाद, ढोर ढोर होने के बाद हम जाएं तो अच्छा लगता है। ढोरों को सुबह चारा दिया है? हाँ, ढोरों को सुबह चारा देते हैं, फिर ढोरों को सुबह चारा देते हैं, फिर ढोर जाते हैं चरने, फिर ढोर काम पे जाते हैं। पहले ढोरों को चारा खिलाओ। ढोर काम ही क्या करते हैं? ढोर किस चीज के लिए? अरे कहीं के लिए भी। तो दोस्तों कल परसों 9 तारीख को एक शादी है, उसके बाद हम जो अहमदाबाद जाने वाले हैं वो वाली शादी है। कल है माता पूजन हमारे घर के पास। बना दो मम्मी की बुराई कर करके, वो बोलेंगे कि ये लड़की तो आजकल ऐसी हो गई कि पूछो मत ही। ऐसा ब्लॉग कोई नहीं बनाता। ब्लॉग ब्लॉग लॉग 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 ब्लॉग ब्लॉग। तो माता पूजन के लिए ये डाई मंगा रही, इनको डाई लगानी है। अभी ये तैयारी अहमदाबाद वाली की शादी के लिए हो रही है, तैयारी हो रही है घर के बाजू वाली गली वाली शादी के लिए। तो आप तैयारी देखें, तैयारी देखें, बिल्कुल देख ही लीजिए गाइस। देखिए गाइस गाइस, हेलो दोस्तों। ओमी बोलती है हाय दोस्तों, सुने ही तो आ जाएगी, है नहीं ना विषय। नीचे काफी अजीब सी ठंड लग रही थी, तो मैं अभी ऊपर आ गई थोड़ी धूप लेने। ऊपर भी हवा चल रही है बट नीचे से बेटर है। सामने किसी के घर तो कंस्ट्रक्शन चल रही है, थोड़ी ठाक ठुक की आवाज आ सकती है, तो प्लीज उसको एडजस्ट करिएगा। एंड आज पापा घर पे नहीं है, पापा संडे को घर पे होते ना, तो इतने सारे काम होते हैं, मतलब अकॉर्डिंगली करने पड़ते हैं टाइम टू टाइम। लेकिन आज पापा घर पे नहीं है, तो आज मैं प्रॉपर अपने आपको टाइम देने वाली हूँ कंटेंट क्रिएट करने के लिए। मैंने 5 आइडियाज लिखे हुए हैं। मी एज अ पर्सन ना, मैं मेकअप वीडियो शूट करती हूँ, तो मुझे मेकअप के लिए इतना बुरा नहीं लगता है। ऐसा लगता है ना कि एक वीडियो में मेकअप लगाया और फिर वाइप आउट किया। मुझे स्किन केयर प्रोडक्ट्स में काफी दुख होता है, एक तो एक्सपेंसिव होते हैं, ऊपर से एक बार आप अपनी स्किन को प्रॉपर प्रेप करो, फिर आप मेकअप जब रिमूव करते हो तो वापस आपको फेस वॉश करके फिर से स्किन को प्रेप करना पड़ता है, तो मुझे वो थोड़ा सा कंटाल खाता है। तो मैंने 3 मेकअप वीडियोस आइडियाज लिखे हुए हैं, सब एक दूसरे से लिंक्ड है, तो मैं उसको शार से पहले शूट करूंगी। लाइक एक है एवरीडे मेकअप लुक, एंड एवरीडे मेकअप लुक में आई शेडोज नहीं यूज करती हूँ, तो मैं वो बेस रेडी हो जाएगा, एवरीडे मेकअप शूट हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं एक आई लुक शूट कर लूंगी उसी बेस मेकअप के साथ, तो जिससे कि वापस से मुझे बेस मेकअप नहीं करना पड़ेगा। एंड इसके बाद एक वायरल कॉन्टोरिंग नोज कॉन्टोरिंग हैक चल रहा है, मैं सोची वो भी फिल्म करूंगी, तो एक ही साथ मेरे 3 काम हो जाएंगे एक ही बेस में। एंड उसके बाद मैंने एक हेयर स्टाइल सोची है ट्यूटोरियल फिल्म करने का, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि वो मैं करूंगी कि नहीं, लेकिन एक स्किन केयर माय अपडेटेड स्किन केयर रूटीन जो कि मैं बहुत शिद्दत से फॉलो कर रही हूँ, तो वो मैं शार लेने के बाद फिल्म करूंगी, ताकि मेरा स्किन केयर भी हो जाए और उसके बाद मैं मुझे कोई मेकअप अप्लाई ना करना पड़े। तो ये 5 आइडियाज मैंने आज सोचे हैं अपने लिए कि मैं ये करने वाली हूँ। सो हम 1 by 1 शूट करेंगे। अभी मेरे फोन की बैटरी काफी लो है, तो इसको मैं चार्ज में लगाऊंगी, और जब तक ये चार्ज में लगाऊंगी तब तक मैं आउटफिट वगैरह जो भी मुझे पहनना है, टॉप वगैरह, वो सारा कुछ शॉर्ट आउट करेंगे, पूरी प्रेप करेंगे वीडियोज के लिए, ताकि हमें बीच में कोई बाधा ना आए और हम लाइन से शूट कर ले उसको। एंड जो वीडियो आज मैं फिल्म करने वाली थी, जिसके लिए मैंने सोचा था कि आज ये मैं फिल्म कर ही लूंगी, तो वो तो शायद ही आज हो पाए, क्योंकि अगर आप लोगों की क्वेरीज आती हैं, अगर आप चाहोगे तो मैं आगे शूट करूंगी, लेकिन उस वीडियो के लिए काफी प्रेप करना पड़ेगा। तो आज ऑलरेडी मैंने इतना कुछ सोच लिया अपने लिए, तो मुझे नहीं लगता कि मैं उसके लिए सेपरेटली कुछ प्लान कर पाऊंगी, लेकिन जितना प्लान किया है उम्मीद करती हूँ वो हो जाए, तो हमारा दिन जो है वो सक्सेसफुल रहे, हमारा संडे जो है वो यूटिलाइज हो जाए अच्छे से, क्योंकि मंडे से फिर नेक्स्ट काम, बाकी जो रेगुलर के काम होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो कोशिश करेंगे कि सबके सब जल्दी से जल्दी कर सके। एंड अभी मैं जा रही हूँ अपने फोन को चार्ज भी लगाने, फिर आई विल कैच यू जब मैं वीडियो शूट करना स्टार्ट करूंगी। एंड सिर्फ 5 आइडियाज पे बात नहीं रुकती है, अभी मैं रील्स पे अपना आधा घंटा इन्वेस्ट करूंगी, कुछ ट्रांजेक्शन साउंड्स निकालूंगी, ट्रेंडिंग साउंड्स निकालूंगी, जिसपे मैं आफ्टर बिफोर, जब भी मैं मेकअप वीडियो शूट करती हूँ ना, तो मैं रील्स के लिए आफ्टर बिफोर वाला ट्रांजेक्शन शूट करती हूँ, पर्टिकुलरली मुझे पसंद आता है वो करना। एंड उसके लिए साउंड्स वगैरह सर्च करना सबसे बड़ा टास्क होता है, उसके बाद मैं वो भी फिल्म करूंगी। मुझे ऐसा लगता है जब भी आप कोई मेकअप वीडियो क्रिएट करते हो, ट्यूटोरियल इज डिफरेंट, लेकिन जब भी मेकअप मैं क्रिएट करती हूँ तो मैं सोचती हूँ जितना मैं उससे कॉन्टेंट निचोड़ सकती हूँ उतना मैं निचोड़ लूँ, तो वो मेरी कोशिश रहती है। एंड उसके अलावा अगर वो लुक अच्छा आता है तो फोटोशूट भी करेंगे, तो लाइक इट्स लाइक 7-8 टास्क जो हमें करने हैं, देखते हैं मेरी एनर्जी कितना अलाउ करती है मुझे करने के लिए। सो अभी बिना बकवास के लेट्स गेट स्टार्टेड।
इंडियन जुगाड़ टू कर्ल माई हेयर, मैंने पीछे भी अभी बन बनाया हुआ है, उसको खोलूंगी। मुझे कर्ल करना था प्रॉपर और मेरे को लगता है मैंने यहाँ बहुत ज्यादा टाइट कर दिया, तो कुछ ज्यादा ही कर लोगे। इस साइड का काफी बढ़िया हुआ है। अभी मैंने ड्रेस व्रेस मतलब टॉप्स वगैरह भी निकाल के रख लिए सारे, एंड अभी मम्मी ने अपना सारा ये समेट लिया है, मुझे ये समेटना है। यहाँ से नेचुरल लाइट अच्छी आती है तो मैं यहाँ पे अभी फिल्म करना स्टार्ट करने वाली हूँ। इट्स ऑलरेडी 1, आई थिंक मैं 1:30 तक स्टार्ट कर पाऊंगी। ओके सो आई चेंज इन दिस टॉप, मैं न्यूड एवरीडे मेकअप करने वाली हूँ फिल्म इसलिए। एंड मीट ओमी, ओमी द पोमी। ओके सो मैंने ट्राई किया था कर्ल करने का आगे से, लेकिन वो बहुत ज्यादा टाइट हो गया तो बहुत गंदा रोल आ रहा था, तो इसलिए मैंने ये लूज मरमेड ब्रेड ट्राई की है एंड ये काफी अच्छी आई है। मैं सोचू इसका ट्यूटोरियल मैं फिल्म कर सकती हूँ। मैंने ये जस्ट शॉर्ट्स पे चलते फिरते देखा था। इग्नोर मम्मी की अलमारी, वो अभी तक नहीं सिमटी है। मैंने सोचा क्यों ना ये ट्राई करें और ये काफी अच्छी आई है, तो अब मैं इसमें न्यूड मेकअप ट्राई करूंगी शूट करने का। एंड इट्स ऑलरेडी 1:30, सो हम 1:30 पे स्टार्ट करने वाले हैं। अभी स्टार्ट भी नहीं होगा, इट्स लाइक 15 मिनट्स और लगेगा। इसको समेट के मैं यहीं पे करूंगी क्योंकि यहां से नेचुरल लाइट आएगी। लेट्स गो। ऑल सेट फॉर शूट एंड अभी 1:45 हो रहा है, सो मैं अभी स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फर्स्ट वीडियो में 1:45 पे स्टार्ट कर रही हूँ, लेट्स सी कि ओवरऑल खत्म होते कितना टाइम लगेगा। मैंने लुक एंड ऑल आपको बता दिया, यहीं पे मैंने सेटअप किया है। मैं इस फॉर्म में वीडियो शूट करने वाली हूँ, तो ये जो आप अभी पीछे का बार देख रहे हो नहीं आएगा। तो मैं मिलती हूँ आपको अपनी फर्स्ट वीडियो शूट करने के बाद। इट्स 2:19 एंड आई एम डन विद माई फर्स्ट लुक। दिस इज द न्यूड ग्लैम एवरीडे मेकअप लुक। एडिटिंग में थोड़ा टाइम जाएगा बट यार डन। एंड मैंने एक और छोटू सा लिटिल सा कॉन्सेप्ट और शूट कर लिया है इसी लुक में। नाउ आई एम गोना टेक सम फोटोज एंड इसके बाद मैं चेंज करूंगी अपने सेकेंड अटायर में एंड फिर हम फिल्म करेंगे नेक्स्ट वीडियो। एंड इट्स अ वेरी सॉफ्ट ग्लैम अप, मैंने कुछ भी बेस पे नहीं किया है यूज, आईलेट्स पे भी मैंने ज्यादा कुछ भी यूज नहीं किया है। इफ यू वॉन्ट दिस लाइक वेरी सटल सा मेकअप लुक, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। अदरवाइज शॉर्ट्स पे तो आप देख लोगे, बट डिटेल्ड चाहिए कि कैसे क्या करना चाहिए, तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, तो आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगा। एंड आई रियली लाइक, मैं वीडियोज के लिए ऐसा मेकअप प्रिफर करती हूँ जो कि काफी सटल हो और कैमरे पे भी देखने में अच्छा लगे, जैसे कि ये लग रहा है। एंड आई लाइक ग्लोई ग्लोई मेकअप, तो आई जस्ट लव दिस लुक। लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन आपको ये कैसा लग रहा है। ओके सो चेंज इन टू माई सेकेंड टॉप, मैंने शर्ट डाल लिए अभी। एंड अभी मैं फिगर नहीं कर पा रही हूँ कि हेयर स्टाइल चेंज करूँ कि नहीं। ये मुझे अच्छा लग रहा है, अभी जो फेस पे मैंने ऐसे किया हुआ है तो मुझे अच्छा लग रहा है, बट आई एम नॉट श्योर इसके साथ ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बट लेट्स सी। सो ऑलरेडी इट्स 2:45, शूट किए बहुत टाइम हो गया, फिर बीच में ब्रेक ले लिया, थोड़ी बाहर लड़ाई झगड़ा होने लगा था तो वो देखने लगी थी। अभी करते हैं आई थिंक थर्ड वीडियो शूट। डन विद द आई शेडो हैक एंड सेकेंड लुक। अब मैं जा रही हूँ वो कंटूरिंग वाला करने, बट मेरे फोन में जस्ट 4% बैटरी बची हुई है, पहले इसको चार्ज करूंगी एंड इसको चेंज करूंगी एंड देन फिल्म करेंगे। वो 15-20% चार्ज हो जाए इतने में वो फिल्म हो जाएगी, तो फिर हम तीनों वीडियोज के साथ डन हो जाएंगे। इट्स ऑलरेडी 3:10। Done with all the makeup looks and it's 4 already. So अभी मैं एक और बचा हुआ है स्किन केयर वाला, वो मैं करूंगी शार लेने के बाद, तो अभी ये सब समेटेंगे। और पहले मैं करूंगी पेट पूजा, काफी तेज भूख लगी हुई है। अभी मैं एक रील फिल्म कर रही थी और रील फिल्म कर रहे थे फोन ऑफ हो गया, फिर अभी मैंने वापस से 30% किया, इसीलिए थोड़ा टाइम मतलब फोन की वजह से थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है। बाकी लुक्स वगैरह तो जल्दी क्रिएट कर लिए थे मैंने। आई एम सुपर हैप्पी, काफी प्रोडक्टिव डे जा रहा है। खाने के बाद उसमें आलसी ना खाऊं, लेकिन गरम गरम रोटियां बन रही है इसलिए मैं पहले खाना खाऊंगी और उसके बाद शार लूंगी, उसके बाद फिर एक
एक और फिल्म करूंगी। तो मैं अब आपको मिलती हूँ अपने खाने के साथ, हैविंग मम्मी के हाथ की आलू गोभी की सब्जी एंड भाई के हाथ की रोटी एंड पराठा इन लंच। ओके सो डन विद दी लंच। अब मेकअप रिमूव करूंगी, ये मेस जो पीछे दिख रहा है ये क्लियर करूंगी एंड फिर शार लेंगे। सुपर टायर्ड। ओके फाइनली डन विद दी शार। इट्स 5:30, मैं 5 बजे अराउंड फ्री हो गई थी, बट नीचे एक आंटी आ गई थी, उनको कुछ सामान चाहिए था तो मुझे फटाफट से नीचे जाना पड़ा। मैंने कुछ भी नहीं अप्लाई किया, मेरा मुंह एकदम ऐसे चट 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 हो रहा है। एंड दिस इज माई स्किन केयर का डब्बा जो कि मैं मैनेज करके रख रही हूँ और इसको सबसे आगे रखती हूँ अपनी कबर्ड में कि मैं निकालूँ और प्रॉपर यूज़ करूँ। तो जो भी अभी सामान मैं यूज़ करती हूँ वो इसमें है। सो अब मैं जो मेरा स्किन केयर वाला था अपडेटेड स्किन केयर वाला रील और शॉर्ट वो मैं नहीं करने वाली हूँ अब फिल्म, क्योंकि लाइटिंग भी अब प्रॉपरली नहीं है एंड उसके अलावा मेरे फ़ोन में स्टोरेज भी नहीं है, उसका इशू हो रहा है। तो मैं पहले ये जो आज मैंने फिल्म की है ऑलमोस्ट मैंने 5-6 वीडियोस फिल्म कर लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में और उसको अभी एडिट करने में भी टाइम जाएगा। सो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देती हूँ, ये जो आप देख रहे हो ये मुझे विटामिन सी का सीरम यूज़ करने से हुआ है। मैं ट्राई कर रही थी, मैंने आई थिंक लास्ट व्लॉग में भी बताया था, मुझे वो शूट नहीं कर रहा है। तो फिलहाल मैंने काफ़ी डर डर के अपने स्किन केयर रूटीन में एसिड्स ऐड किए हैं। लाइक अभी मैं एज अ सीरम में नाइसिनामाइड यूज़ कर रही हूँ जो कि मेरे फेस को सूट कर रहा है एंड आई एम ग्लैड कि वो मेरे फेस को सूट कर रहा है। तो मैंने वो अपने स्किन केयर में डाल लिया है एंड अभी मैंने स्टार्ट किया 0.5% हाइलुरोनिक एसिड फेस टोनर। दिस वीडियो इज नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड, आई एम जस्ट शेयरिंग माई अपडेटेड स्किन केयर रूटीन। आई जस्ट लव दिस, लाइक इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना इतनी रिफ्रेशिंग सी लगती है ना। तो मैंने अभी जस्ट ये स्टार्ट किया, इससे पहले मैं यूज़ कर रही थी ये कॉन्शियस केमिस्ट का पोरोलॉजी टोनर और मैंने ये रखा हुआ है क्योंकि थोड़ा सा बचा हुआ है लेकिन अभी मैं इसको यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। मैंने शायद ये खत्म हो, आई डोंट नो वाई, बट मैंने सोचा कि मैं हाइलुरोनिक स्टार्ट करती हूँ यूज़ करना, तो मैं अभी ये यूज़ कर रही हूँ। आई लव दिस बॉटल, लेकिन मैंने इसको ये एक सिंगल प्रोडक्ट है जिसकी पैकेजिंग मैंने बहुत अच्छे से संभाल के रखी हुई क्योंकि ये कांच की बॉटल है, मुझे डर रहता है कि अगर मैंने बाहर रखा तो ये टूट जाएगी। ये टोनर भी काफ़ी अच्छा है, मैंने इसको काफ़ी टाइम से यूज़ किया, काफ़ी लंबा चलता है। बट नाउ आई एम यूजिंग डम डॉग का एंड आई लव दी सूदिंग फ्रेगनेंस और काफ़ी अच्छा लगता है मुझे इसको अप्लाई करने में। और मैं कॉटन वगैरह यूज़ नहीं करती, आई डोंट लाइक कॉटन एंड ऑल यूज़ करना फॉर टोनर। सो मैं अपने हाथ में लेके इसको टैप कर लेती हूँ बस अपनी स्किन में, दैट्स इट। सीरम आई एम यूजिंग दिस 10% एजेलिक 10% नाइसिनामाइड वाइक केमिस्ट एट प्ले। सो केमिस्ट एट प्ले का ही मैंने विटामिन सी ट्राई किया था अपने फेस पे और जो मेरे लिए बिल्कुल वर्क नहीं किया। सबसे पहले सीरम्स में मैंने विटामिन सी ही किया था, आई थिंक उसके बारे में रिव्यू मैंने आप लोगों को दिया भी था। सो वो मेरे लिए बिल्कुल वर्क नहीं किया था, मुझे लगा शायद ब्रांड की वजह से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो मैंने इसलिए उसको यूज़ करना छोड़ दिया था। एंड फिर जब कॉन्शियस केमिस्ट आया मैंने कहा ठीक है ट्राई करते हैं, बट उसने मुझे बहुत बुरे ब्रेकआउट्स दिए। बोला जाता है ऐसा कि विटामिन सी आपको ब्रेकआउट्स देता है, बट मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। इसके साथ जो ब्रेकआउट्स होते हैं विटामिन सी के बाद जो मुझे ब्रेकआउट्स थे वो बहुत ईची थे एंड इतने पेनफुल थे, एकदम हार्ड वाले। तो मैंने कहा मैं इसे अब आगे यूज़ नहीं कर सकती हूँ, मुझे इसे बंद करना ही पड़ेगा। सो मैंने इसे बंद कर दिया यूज़ करना है। नाइसिनामाइड इज़ गुड, मुझे अच्छा लगता है। पहले मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था कि ये एसिड्स कैसे वर्क करते हैं आपकी स्किन पे, बट मैंने नाइसिनामाइड के बारे में पढ़ा, वो आपके एक्ने मार्क्स आपके हाइपर पिगमेंटेशन एरिया पे वर्क करता है। एंड मैंने प्रोलिक्सर का यूज़ किया था 1 महीने और आई जस्ट लव दैट सीरम, मुझे इतना ज़्यादा पसंद है वो प्रोलिक्सर का। बट जैसे ही वो खत्म हुआ उसके बाद मेरे पास ये केमिस्ट एट प्ले का नाइसिनामाइड पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा ठीक है अभी मैं ये ट्राई करती हूँ, बट अगर मुझे बाय करना हो ना सो मैं डेफिनेटली प्रोलिक्सर एक बार और ट्राई करूंगी, मुझे बहुत बहुत रिफ्रेशिंग सा है वो। आई ऑलवेज यूज पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर बट ये अभी बिल्कुल फिनिश हो चुका है, तो मैं प्रोलिक्सर का मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ इन द वेरिएंट बेरी बेरी और ये काफी प्यारी सी इसकी फ्रेग्रेंस है, बहुत लाइट है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है। फेस पे लगाने के बाद भी काफ़ी देर तक फ्रेग्रेंस रहती है। तो अभी मैं मॉइस्चराइजर प्रोलिक्सर का यूज़ कर रही हूँ एंड आई लाइक दिस। प्रोलिक्सर के प्रोडक्ट्स मैंने पहली बार ट्राई किया, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, सो मुझे ये पसंद आया। और अभी पिछले काफ़ी दिनों से मैं जेड रोलर वगैरह भी यूज़ कर रही हूँ, आई थिंक ये उल्टा पैकेजिंग में रखा हुआ है, मैं जेड रोलर भी यूज़ कर रही थी बट अभी मेरे पास टाइम नहीं है एंड आई फॉरगॉट माय
आई जेल, ये अंडर आई जेल है, ये डार्क सर्कल के लिए मैं यूज कर रही हूँ बाय डर्मडॉक। इसमें भी नाइसिनामाइड है। आई डोंट नो ये वर्क करेगा कि नहीं, बट मैं इसको कंटिन्यूस कम से कम एक मंथ यूज करना चाहती हूँ, उसके बाद ही मैं रिजल्ट्स आपको बताऊंगी। सो अभी मैं ये भूल गई हूँ अप्लाई करना, मैं या तो इसको सीरम से पहले अप्लाई करती हूँ या सीरम के बाद अप्लाई करती हूँ, उसके बाद मैं मॉइस्चराइजर लगाती हूँ। तो मैं इसको रात में सोने से पहले लगा लूंगी। एंड नाउ आई वांट टू अप्लाई माय होली ग्रेन प्रोडक्ट लाइक सनस्क्रीन। ये मैंडेटरी है, इसके बिना घर से बाहर मत निकलो। मैं भले अभी इवनिंग स्किन केयर कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये अप्लाई करूंगी। नाइट टाइम में मैं स्किप कर देती हूँ, अगर मैं नाइट टाइम स्किन केयर कर रही होती हूँ तो मैं इसमें से ये वाली स्टेप कट कर देती हूँ। बट उसके अलावा अगर मैं दिन में सुबह शाम को कभी भी अपना स्किन केयर कर रही हूँ तो मैं सनस्क्रीन लगाना कभी नहीं भूलती हूँ। ये जो आप पैचेस देख रहे हो, पहले मुझे बिल्कुल आदत नहीं थी सनस्क्रीन लगाने की, अभी मैंने इसको रूटीन। एंड मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी कि नेवर एवर फॉरगेट योर सनस्क्रीन, हमेशा सनस्क्रीन लगाओ। ऐसे बर्न पता नहीं चलता है, लेकिन जब ऐसे पैचेस टाइप्स कुछ होने लग जाते हैं तो पता चलता है कि आपको बहुत ज्यादा सनस्क्रीन की जरूरत है। सो इसलिए डोंट फॉरगेट योर सनस्क्रीन। एंड दैट्स ऑल अबाउट माय स्किन केयर। अभी इनको वापस डब्बे में डालते हैं और रख देती हूँ। अभी मैं अप्लाई करूंगी अच्छे से अपने हाथ पैर में मॉइस्चराइजर, एंड उसके बाद में थोड़ा सा अपना टाइम चाहती हूँ, रिलैक्स चाहती हूँ। सुबह से भागम दौड़ी हो रही है, मैंने संडे को एकदम निचोड़ दिया है एंड मेरा फोन भी रोने लगा। इस क्लिप को फिल्म करते करते दो बार मुझे स्टोरेज का इशू आया है। सो अभी मैं अपने फोन को भी थोड़ा रेस्ट दूंगी कि भाई तू भी थोड़ा सा आराम कर ले और मैं भी थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। तो आई कैच यू ऑल जब भी मेरा मन करेगा तभी।